भारत जैसे देश में। कल पूज्य महाराज श्री आए थे, आप श्री नाम ले रहे थे, इतने अद्भुत महापुरुष जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा की है। परम शुद्ध प्रात स्मरणीय शिखर पात्री जी महाराज, ऐसा मैं तो, मेरा तो तब जन्म भी नहीं हुआ पर पढ़ा है, महापुरुषों के मुख से सुना है। हजारों महापुरुष संत जाकर के दिल्ली में संसद के बाहर बैठ गए, जब तक गाय हमारी राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी नहीं उठेंगे यहां से, पर क्या करें, निहत्ते निर्दोष बैठे हुए संतों पर उस समय की सरकार ने आक्रमण कर दिया, गोलियां चला दो ऐसा आदेश दे दिया गया। सैकड़ों संतों ने, निर्दोष संतों ने गौ माता की रक्षा में प्राण गंवा दिए, लेकिन उनके प्राणों का बलिदान अब खाली नहीं जाना चाहिए। सबको सबको हर एक शहर में, भगवत कृपा से इतना तो है ही है कि हर एक शहर में गौशाला होती होती है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, वहाँ जाइए, वहाँ नियम बना करके जाइए, वहाँ बच्चों को ले जाइए, जन्मदिन वहाँ मनाइए, अच्छे अच्छे उत्सव वहाँ मनाइए। शादी में आजकल देखो भव्य शादियाँ होती है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक एक खाने की जो प्लेट होती है सैकड़ों सैकड़ों रुपया की होती है, उसमें भी तथाकथित सभ्यता ये कहती है आधा खाओ आधा छोड़ो, तो आधी प्लेट में से दो चार खाएंगे छोड़ के चले जाएंगे, वो डब्बा में जाके डल जाता है। इससे अच्छा तो आप देखो, मैं ये कह दूँ मत करो तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, सब करेंगे अपनी मन मर्जी, करो आपके पास सामर्थ्य है तो करो, और उसके साथ साथ ये ध्यान रखो कि जितना आप धन उसमें खर्च करते हो उसका दशांश जा करके किसी गौशाला में गाय का भंडारा कर दो, गाय को दलिया खिला दो, गाय को चारा खिला दो। बहुत सारे यहाँ पंजाब से लोग, आप किसान भी हैं, खेती इत्यादि भी करते हैं, आपके पास कुछ नहीं भूसा है वो जा करके गाय को प्रदान करते होंगे, आप ऐसा नहीं करते, पर सबको हर एक व्यक्ति को मिल करके जब ये कदम से कदम, बूंद से घड़ा भरता है, तो ये प्रयास जब हम करेंगे तब जा करके गौ माता की रक्षा होगी। तो भगवान के स्वरूप से सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का सृजन हुआ। इसके बाद सृष्टि प्रकरण सुनाया श्री सुखदेव जी ने, भगवान के मन से महतत्व, महतत्व से तीन अहंकार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट हुए, उनसे सृष्टि आगे बढ़ी। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रगटे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज महाभारत में लेके जाते हैं, महाभारत के उस प्रसंग में लेके जाते हैं जहाँ दुर्योधन विदुर जी का अपमान करता है और विदुर जी घर को, राज्य को त्याग के एक छोटी सी कुटिया बना के उसमें भजन करने लगते हैं। भगवान शांति दूत बन के आए और दुर्योधन के पास, दुर्योधन को समझाने के लिए, पर उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठी, कहा बिना युद्ध के एक सुई बराबर भूमि भी मैं नहीं देने वाला। भगवान ने सोचा भी इसको समझाने से कोई लाभ नहीं, भगवान जाने लगे। दुर्योधन ने कहा प्रभु भोजन करते जाना, भगवान ने कहा ना ना ना, हम ऐसे ही थोड़ी किसी का खा लेते हैं, हम भाव के भूखे हैं, जो भाव से खिलाएगा उसका खाएंगे, तेरे भीतर भाव है नहीं। तो इसलिए भगवान वो भूमि छोड़ करके सीधा विदुर जी के घर गए। विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी घर पर अकेली थी। जैसे भगवान आए, जैसे श्री विदुरानी जी ने भगवान को देखा, स्तब्ध रह गई, समझ नहीं आया क्या करूं, क्या स्तुति करूं कि वंदना करूं, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कुछ होश नहीं रहा और बैठी रही। जब भगवान ने कहा कि हे विदुरानी जी, हे चाची जी, कुछ भोजन प्रसादी पवाओ, तो भीतर से केला लाई और केला लेकर के गिरी को बाहर फेंकती गई और केला का छिलका भगवान को पवाती गई और भगवान बड़े आनंद से उसको पाते गए। देखो ये जो भागवत है ना, ये भगवान के प्रभाव की कथा नहीं है, ये भगवान के स्वभाव की कथा। हम किसी व्यक्ति से प्रभाव देख के प्रेम करेंगे ना, तो प्रभाव तो घटता बढ़ता रहता है, आज प्रभाव है कल को नहीं रहेगा। कुर्सी हमेशा थोड़ी रहती है, एक दिन तो कुर्सी जाती है, प्रभाव खत्म हो जाता है तो फिर वो भूतपूर्व हो जाते हैं, फिर आगे पीछे जो चलने वाले वो कम हो जाते हैं। प्रभाव देख करके प्रेम नहीं, स्वभाव देख के प्रेम करना चाहिए। भागवत भगवान का प्रभाव नहीं बता रही कि ये बड़े वैकुंठपति हैं, ये बड़े वैसे नहीं,
ये भागवत भगवान का स्वभाव बता रही है कि देखो छिलका भी खिलाओगे ना तो ये बड़ी रुचि से खाएंगे, और इसी स्वभाव से भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान ने आज अपना स्वभाव यहाँ विदुरानी के माध्यम से दिखाया। प्रसंग बहुत प्यारा है, पर हम आगे बढ़ेंगे संक्षेप में सुनते हुए। फिर श्री विदुर जी उद्धव जी से मिले, उद्धव जी से मिलन हुआ, बड़े खुश हुए। जब उद्धव जी से मिलन हुआ, श्री विदुर जी का समझ गए, जब दो संत मिलते हैं, जब दो भक्त मिलते हैं, तो आपस में भगवान की कथा का प्रागट्य होता है। शराबी मिल बैठेंगे तो शराब की बात करेंगे, जुआरी मिलेंगे तो जुआ की बात करेंगे, नेतागिरी के लोग मिलेंगे तो नेतागिरी की बात करेंगे, धंधे वाले मिलेंगे धंधे की बात करेंगे, और भगवान के भक्त मिलेंगे तो भगवान की बात करेंगे। एक दोहा बड़ा प्यारा, उसमें कहते, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। चार मिले 64 खिले, जब दो भक्त मिलते तो दो नहीं मिलते, चार मिलते। चार कैसे मिलते हैं? दो आंखें इनकी और दो उनकी, हो गई चार। चार मिले, नजर से नजर मिली, चार मिले 64 खिले। 64 क्या खिले? 32 दांत इनके और 32 इनके, एकदम खिल के एकदम प्रसन्न हो जाते, आहा, संत मिले, अब तो भगवान की बातें होंगी, चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। तो चार मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली इनकी कर जोड़ और 10 उनकी, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। संत एक दूसरे से मिलते हाथ जोड़ के, चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। कहते 3.5 करोड़ रोम कूप होते हमारे शरीर में, तो 3.5 करोड़ रोम कूप इनके खड़े हो जाते हैं कि अब भगवान का सत्संग होगा, और 3.5 करोड़ उनके। ये होता है भक्तों का मिलन, ये होता है संतों का मिलन।